दोस्तों आप 24 घंटे एक ही रंग का खाना खाएंगे। चलो शुरू हो जाओ, तुम्हें कैंडी मिली है जो तुम्हारे रंग को सूट करती है। वाह, यह विशाल स्निकर्स अभी मेरे मुंह में आने वाला है। रुको, ये बहुत बड़ा है, शायद इसे यहाँ से काटा जाना चाहिए। अब मैं इसे टेप से मापता हूँ। यह बहुत बड़ा है, क्या मेरे मुंह का साइज कैसा रहेगा? नहीं, यह फिट नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, मैं एक सामुराई में बदल सकता हूँ। मेरे पास केवल एक ही टास्क है, स्नीकर्स को काटना, और मैं यहाँ करूँगा। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा था, और अब मैं आसानी से सभी स्नीकर्स खा सकता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है, और यह वाला, और यह, और यह भी। चलो मेरा हो गया। नैन्सी, तुम खाना शुरू करो। हाँ, यह आसान है, मेरे पास ताकिस ब्लू चिप्स है। मैं स्वादिष्ट खाना खाने जा रही हूँ। ओह, यह तो बहुत तीखे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। ओह, ये तीखे हैं, लेकिन मैं उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती, इसका स्वाद अद्भुत है। ओह, तीखा, बहुत ही तीखा। दोस्तों मुझे माफ करना, लेकिन मैं आग को नहीं रोक सकती। ओह नहीं, नैन्सी इसे रोको। ओह, ये जले हुए बालों की तरह बहुत क्यों आ रही है? ओह नहीं, मैं जल रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगी, एक मिनट रुको। ओह, मैंने इसे बुझा दिया। ओह नहीं, नैन्सी अभी भी जल रही है। मुझे पता है क्या करना है, मेरी कुर्सी के नीचे एक बाल्टी पानी है, यहाँ बहुत पानी है, इससे मदद मिलनी चाहिए। नैन्सी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आखिरकार, अब अच्छा है, वो भयानक था। अब मैं समझ गई कि ताकिस बहुत तीखा होता है, लेकिन अब मैं पूरी भींग गई हूँ, हमें इसे छुटकारा पानी चाहिए था। बस हो गया, मैं सूख गई। जिल, तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरा गुलाबी गम बचा है। अरे वाह, कितना बड़ा हबा बबा है, पहली बार मैंने इतना बड़ा देखा है, मुझे जल्दी सब खाना है। ओह, वो बहुत दूर चला गया, खैर कोई बात नहीं, हमें इसे जल्दी खाना चाहिए। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है, मैं सब खाऊंगी। वाह जिल, तुमने उतना कैसे खाया? मुझे गम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका पहाड़ भी खा सकती हूँ। क्या तुम लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा बबल देखने के लिए तैयार हो? अब मैं इसे फुलाऊंगी। ओ नहीं जिल, रुको, ये बहुत ज्यादा है। ओ ओ नहीं, ओ दोस्तों मुझे माफ करना, हमें ये साफ करना होगा। अरे मेरी नाक को क्या हुआ? हाँ? क्या यह गुलाबी हो गया? दोस्तों तुम्हारा नाक भी काला और नीला है, यह एक ही रंग खाने का एक साइड इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप नए ट्रीट के लिए तैयार है? और यहाँ आपके सामने है, मार्टिन को एक काला बर्गर मिला, नैन्सी के पास एक विशाल नीली आइसक्रीम है, लेकिन जिल के पास एक बड़ा गुलाबी डोनट है। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है, चलो इसे ट्राई करो। कौन शुरू करेगा? जिल। अब मैं इसे जल्दी से खाऊंगी, पहले मैं इसे टुकड़ों में काट देती हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगी। एक टुकड़ा काटा। दोस्तों मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत खुशी की यह सब अकेले मेरे लिए है। वाह, खैर मेरा हो गया। दोस्तों मैंने अपना डोनट समाप्त कर लिया है, तुम अपना खाना शुरू कर सकते हो। नैन्सी, क्या मैं? धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं विशाल काय को खाऊंगा, मैं कुछ ही समय में उससे निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दस्ताने पहनूंगा, मैं गंदा होना नहीं चाहता, पर यह काम नहीं कर रहा है, दस्ताने खराब है या कुछ और। चलो अब मैं इसे पहनता हूँ। मैं इसे कैसे काटूं? शायद यह कॉफी कप या मग मुझे इस विशाल बर्गर से छोटा सा टुकड़ा काटने में मदद करेगा। वाह, और मिनी बर्गर तैयार है, चलो अभी से खाता हूँ। इस तरह से यह खाने के लिए भी अधिक सुविधाजनक है, स्वादिष्ट। मैं खुद के लिए बहुत सारे छोटे बर्गर बनाने जा रहा हूँ। हाँ बहुत स्वादिष्ट, मैं सारे खा जाऊंगा। ओह हो गया, अरे चेहरे पर कुछ छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। स्वादिष्ट, मेरा पेट भर गया है। नैन्सी, तुम अपने आइसक्रीम के साथ इस राउंड को खत्म कर सकती हो। शायद सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे चम्मच से खाएं, पर चम्मच इस विशाल आइसक्रीम की तुलना में लिलीपुटियन की तरह है। चलो कुछ और ढूंढते हैं। हाँ ये एकदम सही है। ओ, 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 मेरा सब कुछ नियंत्रण में है। ओ नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अरे नहीं,
ऐसा कैसे? मैंने फर्श पर पूरी आइसक्रीम गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खा सकते हैं। स्वादिष्ट। मार्टिन, तुम्हारे कान काले हैं और तुम्हारा नीला हो गया। जिल, तुम्हारे कान गुलाबी है। ओ नहीं। लड़कियों, क्या एक ट्रिक देखना चाहती हो? एक उंगली है, कोई उंगली नहीं है। कैसा लगा? और अब, अरे नहीं, उंगली कहाँ है? वापस आओ। अरे वाह, हमें उसी रंग का एक नया खाना दिया गया है। मुझे सॉस के साथ आई रोल मिला है और मेरे पास एक बड़ा काला कपकेक है और मेरे पास एक विशाल गुलाबी मैकरून है। कितना अच्छा, मुझे ये पसंद है। अरे ये भारी है, मैं इसे उठा लूंगी। अरे ओह, मैं गिर रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत भारी है। धन्यवाद। चलो अब मैं इसे खाऊंगी। किधर से खाना अच्छा रहेगा? हाँ बस एक मिनट, अब जिल एक कराटे गर्ल बन गई है, एक जादुई परिवर्तन। अब मैं एक मार्शल आर्ट दिखाने जा रही हूँ। इस मैकरून के अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हैया, तैयार। धन्यवाद दोस्तों, और अब इस महान गुलाबी मैकरून का स्वाद ले सकते हैं। ओह बहुत स्वादिष्ट। अद्भुत स्वाद है इसका। वाह जिल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। मुझे किसी तरह अपने में ये सारी शक्ति बनाए रखने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें अपना सिग्नेचर पंच दिखाऊंगी और मैकरून चार भागों में हो गया। इस तरह से यह और भी सुविधाजनक है। मुझे यह सब खाना है, मैं रुक नहीं सकती। वाह चलो, मेरा हो गया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस जिल बन जाती हूँ। मार्टिन, तुम अपना कपकेक खा सकते हो। बढ़िया, शुरुआत करते हैं क्रीम से। स्वादिष्ट, कैसा है? स्वादिष्ट है, लड़कियाँ कुछ सोच रही है। और तीन के बाद क्या होगा? ओह मार्टिन, तुम मुसीबत में हो। क्या तुमने अपना चेहरा काला कर लिया है या ये क्रीम है? यह बिल्कुल फनी नहीं है, मैं पूरा गंदा हो गया हूँ और कपकेक बर्बाद हो गया। हालांकि यह क्रीम अभी भी बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। और मैं इस बीच चॉपस्टिक से निपटूंगी। ओह यह कितना मुश्किल है, शायद ऐसे नहीं। चलो फिर से कोशिश करो। या ठीक है, नहीं फिर कैसे? यह खैर छोड़ो, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी। ओह नहीं, फिर से गिर गया। मैं इसे बिना चॉपस्टिक के कर सकती हूँ। सबसे अच्छा हमेशा अपने हाथों से खाना है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, हाथों से खाने से ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मार्टिन, तुम्हारे यहाँ क्रीम लगा हुआ है। ओह बढ़िया। तुम्हें मेरी नई आंख कैसी लगी? नीला रंग अच्छा है। मैं और खाऊंगी। बस अब ये अंतिम वाला बचा हुआ है। मैं गमी खाऊंगी अलग से और आंख अलग से। वाह मेरा शरीर ये नीला हो गया है। मार्टिन तुम्हारा काला और जिल का गुलाबी। पता नहीं हमारे लिए और क्या तैयार किया गया है। वाह आप लोग लगभग पूरी तरह से रंगीन हो गए हैं। जिल के पास गुलाबी पिज्जा है, मार्टिन को काले नूडल्स मिले हैं और नैन्सी के पास ब्लू प्यारे पैनकेक्स हैं। चलो जल्दी ट्राई करो। इसकी स्वादिष्ट खुशबू है। मैं ऊपर के ब्लूबेरी के साथ ट्राई करना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह अद्भुत, क्या तुम्हें ब्लूबेरी चाहिए? चलो जिल, क्या तुमने इसे पकड़ा? स्मार्ट लड़की। मार्टिन इसे पकड़ो। उफ, लेकिन मार्टिन इसे पकड़ नहीं पाया और अब मैं इसे पकड़ रही हूँ। स्वादिष्ट, खेल खत्म हो गया। मैं जल्दी पैनकेक को खाना चाहती हूँ। एक और एक, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा पैनकेक इमोजी कैसा लगा? बढ़िया, एक आखिरी बचा है। चलो यह वाला। ओ मार्टिन ने उसे पकड़ा। अब मैं एक फनी फेस बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें यह कैसा लगा? पैनकेक्स फेंकने की जरूरत नहीं है। सॉरी मार्टिन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तुम किस पर हंस रही हो? मैं अपने काले नूडल्स खाना शुरू कर सकता हूँ। चलो इसे अभी खाता हूँ। स्वादिष्ट, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक ही बार में सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। यह बेहतर है, मैं सब खाऊंगा। यह स्वादिष्ट है, मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट नूडल्स। वाह मार्टिन ने सब इतनी जल्दी खा लिया। हाँ ये एकदम आसान था। खैर मैंने सब समाप्त कर दिया है, इसलिए जिल जारी रख सकती है। चलो तो मुझे कुछ दिलचस्प करने की जरूरत है। मेरे पास एक गुलाबी पिज्जा है। एक आइडिया, मैं एक गोल चाकू से स्पाइरल में यह पिज्जा काट दूंगी। यह सही है, अभी तक किसी ने ऐसे पिज्जा नहीं खाया होगा। मेरे पास अपना खास तरीका होगा। चलो अब खाती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट मीठा पिज्जा है।
दोस्तों, यह पता चला है कि मार्शमेलो पिज्जा पेपरोनी से भी बेहतर है। वाह, मेरे हाथ भी गुलाबी हो गए हैं। देखो, हाँ, वाह, कितना सुंदर। मार्टिन, हमारे भी। दोस्तों, हम बहुत रंगीन हैं। दोस्तों, एक नया स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहा है। वाह, क्या ट्रीट्स है। जिल के पास स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक्स का बड़ा पैक है, मार्टिन के पास कोका कोला की बोतल और नैन्सी को गमी मैन मिले हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले कौन होगा? नैन्सी, चलो। गमी, मैंने इन्हें अभी तक नहीं खाया है, मैं इसे अभी ट्राई करूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत खट्टा। मैं और खाऊंगी। फिर क्या होगा? और यह आखिरी आदमी, चलो इसे खाती हूँ एक एक करके। ओह, यह खटास बहुत तेज है। कूल, जिल, तुम शुरू कर सकती हो। बढ़िया, अब चलो मेरे प्यारी पोकी स्टिक के स्वाद को चखे। वाह, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, मेरा फेवरेट। स्वादिष्ट। उन्हें खाना बंद करना मुश्किल है। इसमें कुछ और स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ने लायक है। स्ट्रॉबेरी कभी भी ज्यादा नहीं होते है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। चलो, मेरा हो गया। मार्टिन, अब केवल तुम ही बचे हो। हुर्रे, मैं कोला की इस विशाल बोतल को पीने जा रहा हूँ। ओह, हमने नोटिस भी नहीं किया, ये लिक्विड कैंडी है। कितना अच्छा, मुझे जल्दी ये सब कुछ खाना है। कितना मीठा, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। जील, क्या हम मार्टिन को प्रैंक करें? बढ़िया, बोतल को बहुत जोर से दबाओ। मार्टिन, कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? लड़कियों, ये काफी है। ओह, मेरा पेट भर गया है। ओह, यह मुश्किल था। जिल, तुम पूरी गुलाबी हो और मैं पूरा काला हूँ। वाह, नैन्सी, तुम नीली हो गई हो। वाह, अरे नैन्सी कहाँ गई? जिल, सभी कहाँ गायब हो गए हैं? ओह नहीं। हाय नैन्सी, और यहाँ जिल है, और मार्टिन भी छूटेगा नहीं। तुम अब वापस अपने रूप में कैसे लौटोगे? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी मेडिसिन बॉक्स में रंग के खिलाफ सही दवा है। चलो उसे खाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, वाव, हम सामान्य हो गए हैं। हुर्रे, बधाई हो। होंगे। यह क्या है? वीटा क्या करने वाली है? क्या वह कार को सजाने जा रही है? मैं दुनिया की सबसे मुलायम और गुलाबी कार बनाऊंगी। पूरा गुलाबी, यहाँ तक कि दरवाजे भी। मैं हर कोने को सील कर दूंगी। सुंदर। मेरे पास एकदम सही कार है, किसी के पास ऐसी चीज नहीं है। देखो, है ना बहुत सुंदर? ओ हाँ। खैर, कोई बात नहीं, मैं उसे दिखाऊंगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे निश्चित रूप से स्पाइक्स की जरूरत होगी, कुछ भी मुलायम नहीं। आपका ऑर्डर? वाह, इतनी जल्दी, धन्यवाद। ओह, कितना बड़ा बॉक्स है। ओह, काले पेंट की एक कैन, मुझे इसी की जरूरत थी। अब मैं इस लड़की को दिखाने जा रहा हूँ कि कूल कार का क्या मतलब है। 3, 2, 1, तैयार। बिल्कुल सही, फाइनल टच। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कार होगी। तो बढ़िया काम है। और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे इन स्पाइक्स को चिपकाना होगा। चलो, इधर ग्लू डालें और ऊपर से स्पाइक। अब यह डरावना लग रहा है, पहियों पर भी यह होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं? ओह, अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने बाहर सजाया और मुझे कार को अंदर से सुंदर बनाने की जरूरत है। मुलायम कुर्सियाँ, यह बढ़िया है। अब मैं इसे थोड़ा और सजाऊंगी। हाँ, यह गुलाबी स्टीयरिंग व्हील कवर एकदम सही है। यह कितना नरम है। मुझे सबको थोड़ा और मुलायम करने की जरूरत है। बस हो गया, सब तैयार। मेरे पास सबसे प्यारी कार है, खासकर इन क्यूब्स के साथ। और तुम्हारे बिना कैसे दोस्त, बहुत प्यारा। चलो कुछ लाइट्स लगाएं। मैं एक एलईडी पट्टी जोड़ूंगी, तो बहुत खूबसूरती से चमक जाएगा। वाह, बढ़िया रिजल्ट। एलेक्स की क्रिएटिविटी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। या क्या, उसने अंदर भी सब कुछ गुलाबी कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ,
हाँ, मेरे पास एक चेन है। मेरा स्टीयरिंग व्हील ज्यादा कूल होगा क्योंकि ये लोहे से बना होगा, कोई मुलायम फर्श नहीं। जब तक ग्लू सूख न जाए तब तक इंतजार करना होगा। एकदम सही। तो मेरे पास अभी भी ग्लू है, इसलिए मैं कुछ और भी जोड़ सकता हूँ। यह खोपड़ी एकदम कूल और खतरनाक दिखेगा, मैंने तुमसे कहा था। और बड़ी खोपड़ी यहाँ। वाह, बढ़िया है। और क्या है? ओ, एक चाबी का गुच्छा। वाह, मैं अच्छा हूँ। बिल्कुल, एक और काम। अब यह स्टीयरिंग व्हील कमाल का लग रहा है। मेरी कार सबसे अच्छी है, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो देखें कि वीटा अब आगे क्या करती है। कितना अच्छा। वाह, यह क्या? क्या एलेक्स मेरे आइडियाज को फिर से कॉपी कर रहा है? क्या उसने कार को खोपड़ी से सजाया है? तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? मेरी कार में सभी के लिए काफी जगह है, यहाँ तक कि मेरे प्यारे कुत्ते के लिए भी। अच्छा लड़का है, अपना व्यवहार अच्छा रखना। मेरी कार को देखो और यहाँ तुम सो जाओगे। ओह, यह क्या? मेरा बच्चा इतने कड़े सामान पर सो नहीं पाएगा। मैं इसके लिए मुलायम बिस्तर का ऑर्डर दे देती हूँ। ओह, इतनी जल्दी? धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं इसे अभी सेट करती हूँ। तुम्हारा बिस्तर सबसे आरामदायक होगा। बस हो गया, देखो यह कितना प्यारा है। वाह, बिल्कुल सही। तुम्हें पसंद आया? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। तुम यहाँ आराम करो। आखिर मेरे पास कितनी शानदार कार है। यह समय है कूल कार में कूल सेल्फी लेने का। वाह, मैं कितना हैंडसम हूँ। अब उन्हें समझ में आएगा कि अपने ट्रंक को ऐसे छोड़ने का परिणाम क्या होता है। ओ, यहाँ क्या है? वाह, यह ठीक है, ले लेता हूँ। जल्दी आओ। पता नहीं उसमें क्या है, पैसा? अरे नहीं, ये कुत्ता है, एक विशाल डरावना कुत्ता। कितना भयानक, भागो। ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? आशा है कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अरे नहीं, मेरा बैग। ओह, तुम कैसे रक्षक हो? एक बैग? ओह, अच्छे बच्चे हो तुम। बेटा, ये तुम्हारा लगता है। ओह, मेरा पर्स। धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। ओह, तुम चलो, मेरी चीजों का ख्याल रखो। आशा करती हूँ कि अब चोर नहीं आएंगे। कितना अच्छा गेम है, रोकना असंभव है। ओह नहीं, बैटरी खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? वाह, मेरे पास एक आइडिया है। फोन पर कोई गेम खेलने से अच्छा है कि कंट्रोलर से खेला जाए, और मेरे पास इसके लिए उपयुक्त जगह भी है। अब बस टीवी लगाना ही बचा है। वाह, बिल्कुल सही फिट। और यह कंट्रोलर, मैं यह सब यहाँ रखूंगा। और यहाँ क्या है? आराम से बैठने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे यहाँ रखूंगा और अब गेम खेल सकता हूँ। चलो गेम शुरू करें। ओ वाह, यह क्या है? हाय ब्रो। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। वाह, यह कितना मजेदार है, मुझे यह पसंद है। कितना सुंदर है। वहाँ क्या चल रहा है? क्या वे वीडियो गेम खेल रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं मेरे बिना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे मजे करना है। मैं यहाँ बॉक्स रखूंगी, मैं ट्रंक खोलूंगी, पार्टी का सामान, बिल्कुल सही, और यह उधर, और दूसरा उसके पास। बस इतना ही, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डिस्को बॉल के बिना किस तरह की पार्टी? बस बहुत बढ़िया, जितना लाइट उतना बेहतर। इसलिए अब मैं एक माला लटकाऊंगी। यह वह जगह है जहाँ यह सबसे अच्छा होगा। बस अब सब हो गया, मेरी पार्टी तैयार है। और बस अब म्यूजिक, देखो मुझे कितना मजा आ रहा है। जल्दी करो, मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओह, यह क्या हो रहा है? क्या ख्याल है, उधर चले? हम तुम्हारे साथ है। और मेरे बारे में क्या? मेरे दोस्त आ गए, चलो एक साथ मजा करते हैं। एलेक्स हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं कर रहा है? वो अकेले खेल रहा है। ये मेरी गलती है, मुझे सब सुधारना होगा। एलेक्स, चलो एक साथ मजे करते हैं।
ओह तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मेरे पास एक और सुझाव है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ क्यों नहीं, सावधान रहो मैं कभी नहीं हारती, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे खेलना है। ओह यह मजेदार है, मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। वाह यह अच्छा आइडिया है, इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है, यह चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है तो अब समय है शुरू करने का, पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी, यह एक नियम है, अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी, मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा ये तुम कह रही हो, कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या नहीं वो मेरा होगा। No. पर हाँ मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैंने अब तक जो बनाया है शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है, अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितने सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ, तुम हंस क्यों रही हो, मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग, अब फिर हंस कर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं बस मत करो। चेल्सी तुम इतनी खुश क्यों हो, मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अपनी तस्वीर दिखाओ। उफ मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मेरी यह क्या है, वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है, तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा, प्यारा कुत्ता। ओ कितना प्यारा है, और आज इसने बहुत खाया है इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप, जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा, और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है, महक के लिए माफ कर देना। यह क्या, क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे, और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ, इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे मेरा भूरा मार्कर गिर गया, मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है, मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया, ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता तुम बहुत चालाक हो, बहुत अच्छी ड्राइंग है।
मैरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह, यह तो सच में वही है, तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैरी को बधाई देते हैं। पोप, ची, नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या, काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। ची, वो पूप खा रही है सच में? अरे तुम खुद ही पूप होगी, यह तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दोस्तों, क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयॉन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ, मैं कागज पर क्यों बनाऊँ अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। बहुत बढ़िया, जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। yes! जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे, आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो क्या कर रही है? हाँ, यह सही नहीं है। हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी, क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं, तुम यह क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्ली। अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ, बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है। धन्यवाद यार। चलो दोस्तों, अब अपने चेहरे दिखाओ, देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी, तुमने फिर कोशिश भी नहीं की। ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता, क्या तुमने देखा भी है कि एक बिल्ली कैसे देखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है, क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब यह बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना। क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे, और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। ये मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, ये बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। yes! ओह, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है, मुझे भी कुछ करना होगा।
मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है। ओह, मैंने तो सारे सॉस खा लिए। अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं सामंता से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ, और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा। सैमंथा, तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा? तुम्हें यह मछली मिलेगी। बधाई हो सामंता, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी। सब चेल्सी की वजह से हुआ है। मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी, सॉरी, लगता है आज तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि कल क्लास में क्या हुआ? मेला, देखो, एलेक्स ने अपना लॉकर बंद नहीं किया है। लगता है कुछ चमक रहा है। वाह, एक साथ कई सारी तिजोरियां हैं। पता नहीं कि उनके अंदर क्या होगा। शायद हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। ओह, ये हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है ये एक नई चुनौती है। कितना बढ़िया, क्या मैं प्लीज शुरू कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि इस तिजोरी में कुछ स्वादिष्ट है। मेरा अनुमान थोड़ा गलत था, लेकिन यह भी बहुत अच्छा है। इसमें पॉपिट का एक पूरा पहाड़ है। ये थोड़े अजीब है, इससे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, ये तो खा सकते हैं। मेला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रबर नहीं खा सकती हो। तुम कुछ नहीं समझ रही हो, यह रबर नहीं है, यह गमी है। और यह कितना स्वादिष्ट है। मैं सारी एक साथ खाना चाहती हूँ। मेरे मुंह में फिट होना मुश्किल है, लेकिन मैं यह संभाल लूंगी। तुम कितनी लकी हो, हमें जलन हो रही है। ये सही कहा, मुझे वो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। शायद तब तुम हमें आखिरी पॉपिट दे सकती हो। मेरा सुझाव है कि हम इसे खुद ले लें और किसी से ना पूछे। दरअसल मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मेरे पॉपिट को छूने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसे संभाल लूंगी। ठीक है ठीक है, फिर मैं अपनी तिजोरी देखती हूँ। ये क्या बकवास है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जिंदा कीड़े हैं। कितना बुरा, इसे मुझसे दूर करो। लगता है कि तुम्हारे कीड़े सीधा मिला के पास गए। तुमने क्या किया जूली, अभी ये सब हटाओ। शांत हो जाओ, बस एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। मीला की नाक के नीचे एक कीड़ा है। लेकिन ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। एलेक्स बस करो। मीला चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। वैक्यूम क्लीनर बंद करो, इसने मेरे होंठ खींच लिए। ये बहुत मजेदार था। ओह, देखो मीला को क्या हुआ। अरे नहीं, मेरे होंठ, ये सब तुम्हारी गलती है। एलेक्स को दोष दो, वो पूरे समय हंस रहा था और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। तुमने क्या किया जूली, मेरा मुंह कीड़ों से भर गया है।
और अब हम हंस सकते हैं। वैसे तुम अपनी तिजोरी को पूरी तरह भूल गए। यहाँ किसी तरह का अजीब जार है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि यह क्या है। शायद इसे चख लेना चाहिए, फिर शायद सब समझ आ जाए। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। मिला, देखो एलेक्स छोटा हो गया है। अरे हाँ, यह उसे सूट कर रहा है। वो बहुत प्यारा लग रहा है। एलेक्स, कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें टेबल पर ले आती हूँ। धन्यवाद मिला, लेकिन तुम थोड़ा और सावधान हो सकती थी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं एलेक्स, हमेशा ऐसे ही रहना। जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह पॉपिट, मैं आखिरकार इसे खा सकता हूँ और इस पर कूद भी सकता हूँ। वाह, यह एक ट्रैम्पोलिन से भी बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। फिर भी वह सच में बहुत प्यारा है। मैं तुम्हें फ्लाइंग किस भेज रहा हूँ। ओह हो गया, कूदना बंद करता हूँ, मैं काफी थक गया हूँ। शायद तब हम थोड़ा खेल सकते हैं। फिर करके दिखाओ। मैं बेवकूफी भरी काम नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ ना कह सकते थे। लेकिन यह बहुत मजेदार है। मजे की बात कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मजा क्या है। लड़ो। तुम क्या कर रही हो जूली? वह चाहती है कि मैं इस कीड़े को हरा दूं। बहुत आसान, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। अच्छा किया एलेक्स, बहुत अच्छा, तुम जीत रहे हो। यह लो बेवकूफ कीड़े, ज्यादा नहीं बचा है। मैं जीत गया। यह हुई ना ताकत, बहुत बढ़िया, तुमने हमें काफी अच्छे से सरप्राइज किया। खैर, मुझे लगता है कि वापस आने का समय है। तुम फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे तुम पहले थे, और मैं इसके बारे में खुश हूँ। क्या मैं इस बार शुरू कर सकती हूँ? हमें दिक्कत नहीं है। वाह, क्या तुम ये देख रहे हो? मुझे एक नया आईफोन मिला है, यह कितना अच्छा है। यह हमें चिढ़ाने की कोई वजह नहीं है। तुम सभी को मुझसे ईर्ष्या करनी चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा फोन कभी नहीं होगा। एलेक्स, फ्रेम से बाहर रहो। अच्छा, यह दो मुझे, मैं तुम्हारा फोन लूंगा। लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा, इसे मुझे दे दो। ये बहुत हो गया। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे फोन अभी वापस दो। मुझे परेशान मत करो, मैं खेल रही हूँ। रुको, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह क्या कर दिया तुमने, मेरा फोन गिरा दिया। उफ, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया एलेक्स, मुझे बताओ। तुम इसे ना देखो तो बेहतर है। अरे नहीं, यह नहीं, यह पूरा टूट गया है। सॉरी जूली, हमारा मतलब यह नहीं था। चलो झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि तिजोरी में मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या है इसमें? मुझे नहीं मिल रहा है। लगता है मुझसे दूर भाग रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक मेंढक है। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं हो सकता, कोई इसे मेरे सिर से हटाओ। मुझे माफ करो, लेकिन मैं उसे नहीं छूऊंगा। फ्यू, लगता है कि मैंने उसे छुटकारा पा लिया। नहीं, अब वो मुझ पर कूद गया है। यह बहुत मजेदार है। जी, कितना स्लाइमी है, इसे ले जाओ। तुमने क्या किया है जूली? मैंने इसे लगभग निगल लिया। मुझे लगता है कि हमें उसे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। देखो कितना प्यारा है। क्या होगा अगर ये एक राजकुमार हो? मैं जादू तोड़ने के लिए मेंढक को किस करने की कोशिश करूंगी। क्या यह काम किया? मिला ने मेंढक को किस किया। तो क्या, मुझे चेक करना था, और मुझे चेक करना है कि मेरी तिजोरी में क्या है। यहाँ एक टोपी है, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। पहन कर देखो, देखो कि क्या तुम्हें फिट होता है या नहीं। सावधान मिला, तुम्हारा मेंढक फिर से कूद गया। देखो उसे क्या हुआ। अब ऐसा लगता है कि ये चॉकलेट से बना है। और ये सच में वैसा लग रहा है। वाह, ये पक्का से चॉकलेट है, बहुत स्वादिष्ट। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा हैट कैसे काम करता है, और मुझे पता है कि इसमें क्या डालना है। तुम क्या कर रही हो जूली? देखो हो गया, मेरे फोन को चॉकलेट में बदल दिया। कमाल का आइडिया था। और यह कितना स्वादिष्ट है।
मुझे भी कुछ डालना है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। देखो जूली, एलेक्स चॉकलेट बन गया है। तुम क्या कर रही हो मिला? तुम्हें उसकी उंगली क्यों चाहिए? रुको, उसे मत खाओ। तुम सही कह रही हो, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि एलेक्स को वापस कैसे लाया जाए, बस हैट को निकालने की जरूरत है। अब पहले जाने की मेरी बारी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक ट्रीट मिली है। वाह, चॉकलेट शेक, वह अच्छा लग रहा है। क्या तुम शेयर करोगे? पहले कम से कम इसे खोलना होगा। तुम्हें यहाँ घुमाना होगा। ओह धन्यवाद। क्या अब तुम मेरे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं यह सब खुद पी लूंगा। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। लालची, और मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, ये लो। तुम क्या कर रही हो जूली? तुम मेरा सारा मिल्कशेक गिरा दोगी। और अगर शेयर करते तो तुम्हारे पास बहुत बचता। बहुत फनी। ओके। अब मिला की बारी है। मैं इसे खोलना नहीं चाहती। निश्चित रूप से अंदर कुछ बेकार है। ओह बदबूदार मछली, मैंने तुमसे कहा था। और मैं इसके साथ क्या करूँगी? मैं इसे अपने मुंह में नहीं डाल सकती। जल्दी खाओ नहीं तो हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। केवल तुम्हारे लिए मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। कितना गंदा, भयानक। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी यह मछली नहीं खाऊंगी। अब भी थोड़ा बाकी है, जल्दी खत्म करो। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी मछली खाना बेहतर है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मिला ऐसा कर सकती है। अरे ध्यान से, तुमने मेरे चेहरे पर मछली की कांटे फेंक दिए। लेकिन ये फनी था। बिल्कुल नहीं, अपनी तिजोरी खोलो। ओह, यहाँ एक कैंडी का टुकड़ा है। और मुझे इसके साथ क्या करना है? शायद बस इसे खाना है। और बस, स्वादिष्ट है लेकिन बहुत बहुत छोटा। बस एक दांत से खाना होगा। अजीब है। मैं सहमत हूँ, शायद मुझे इसके लिए कोई वजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओ, मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा चेहरा कैंडी से ढका हुआ है और हाथ भी। ओ माय गॉड, कैंडी जादुई निकली। देखो, पुरानी कैंडी की जगह नई आ जाती है। क्या मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ? वाह, कितना स्वादिष्ट है। देखो, अब मैं कैंडी में ढक गया हूँ। वाह, ये कितना बढ़िया है। क्या तुम्हें भी चाहिए मिला? नहीं। उरे, नई तिजोरियाँ। मैं अपना खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, इसमें न्यूटेला का जार है। हाँ देखो, ये कितनी बड़ी है। सुपर। देखकर अपना कचरा फेंको जूली। आउच, चोट लग गई। माफ करो, न्यूटेला ने मुझे इतना असावधान बना दिया। बस इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। देखो ये कितना चॉकलेटी है। यह हुआ ना असली मजा। मुझे भी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे भी कुछ मिल गया है। धन्यवाद। अब तुम फिर मेरे न्यूटेला के पास आने की हिम्मत मत करना एलेक्स। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जूली, तुम्हारे पूरे चेहरे पर लग गया है। तो क्या? ओ नहीं, लगता है मेरा हाथ जार में फंस गया है। लगता है किसी को तुरंत मदद की जरूरत है। खींचो एलेक्स, मैं जीवन भर इस तरह नहीं रहना चाहती। मैं खींच रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। मदद करो, मैं गिर रही हूँ। लेकिन तुमने खुद खींचने को कहा। वाह, मेरे पास अब न्यूटेला की जार है। अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ तो मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो हम पूछना नहीं चाहते थे। तुमने मेरा न्यूटेला क्यों लिया? ओह कितना अच्छा है कि अभी भी बाकी है। यह देखने का समय है कि मेरी तिजोरी में क्या है। फौरन गैस मास्क ले आओ, ये ब्लू चीज है। अगर तुम इसे अभी खाने वाली हो तो तुम्हें गैस मास्क की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेला को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है। दरअसल नहीं, मैंने मदद नहीं मांगी। ओह लगता है कि यह काम कर गया। तुमने लगभग सब कुछ खा लिया। यह कैसे हो सकता है? मुझे अब उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं निकल सकती हूँ। यह अच्छा है कि सब कुछ ठीक हो गया, केवल मेरी मिस्ट्री तिजोरी रह गई। लगता है अंदर एक ब्लैक होल है।